आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोकोनट चटनी एंड डोसा। इसको बनाने टाइम में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका डोसा कभी खराब नहीं बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भुना हुआ चना लिया जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं। उसके बाद मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है और 1 कप के अराउंड में इसे मैं डालती हूँ। इसके अलावा मैंने चीनी और नमक इसमें डाला है। आप इसमें चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, बट पर्सनली मुझे मूंगफली नहीं पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस। और थोड़ा सा नमक इसमें डालते हैं और इसे अच्छे से, पहले मैं ड्राई ही इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसे ब्लेंड करूँगी और इसका एक फाइन प्यूरी बना लूँगी। उसके बाद मैं इसे तड़का के लिए तैयार करती हूँ। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल, राई जिसे मस्टर्ड सीड छोटी वाली होती है ना, उसे भी हम डाल सकते हैं, और करी पत्ते, और आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली और हींग भी डाल सकते हैं। और इसे डालते हैं इसमें। ये कोकोनट चटनी बहुत ही हेल्दी होती है, आप इसे बच्चों को भी खिलाइए, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कोकोनट जो होता है वो हाई कैलोरी होता है जो बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। तड़का देने के बाद हम अपने डोसे का बैटर तैयार करते हैं। डोसे के बैटर के लिए मैंने 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल लिया है जिसे पहले से धो के 3-4 घंटे के लिए सोक कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसे पीस रही हूँ। राइस और उड़द दाल का रेशियो 3:1 का होना चाहिए। पहले मैं राइस को पीस रही हूँ। इसके अलावा इसमें मेथी दाना जो है उसे ज़रूर डालना चाहिए। मेथी दाने से आपके जो डोसे हैं वो टूटेंगे नहीं, तवे में चिपकेंगे नहीं। इसकी सीक्रेट रेसिपी ही कह लीजिए मेथी दाना है। आप मेथी दाने का यूज करके एक बार देखिए, रियली आप में को अपने डोसे में फ़र्क समझ में आएगा कि चाहे वो कोई सा भी राइस हो लेकिन आपका जो डोसा है वो बहुत ही पेपर जैसा क्रंची बनेगा। आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से ये फर्मेंट जल्दी हो जाता है और उसे 6-8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये वेदर पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद डोसे बनाने के लिए मैं तवे को पहले पानी से छींटे देके उसे ठंडा कर रही हूँ। फिर उसे मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद डोसा ये देखिए मेरा कितना आसानी से फैल जा रहा है, और इसके ऊपर ऑयल जब मैंने डाला और ये देखिए कितनी ही आसानी से मेरा डोसा निकल जा रहा है, बिल्कुल कोई भी कहीं भी नहीं चिपक रहा है। इसके बाद आप आलू का बैटर जैसा भी बनाना चाहें आप बना लीजिए। आलू के बैटर के अलावा आप इसे ओनियन एंड टमाटो से लगाकर इसे फोल्ड कर लीजिए। इस डोसे की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद आपका डोसा कैसा बना ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।